I'm dreaming every night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never love you. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I am good and I hope all is good. Today we're gonna make अलसी के लड्डू. As you guys know कि मेरी नानू आई हुई है तो वो हमें इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिलाती हैं. So any further ado, let's get in the video. आज आपको अलसी के लड्डू बनाने की तरकीब बताऊंगी. ये जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और घुटनों के दर्द के लिए काफ़ी मुफीद है. मेरी बेटी के ना घुटनों में दर्द था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए क्यों ना जो हमारी मम्मा हमें बना के खिलाया करती मैं अपनी बेटी को भी बना के खिलाऊं, लिहाजा आपसे शेयर करती हूँ. उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी. एक पाव गंदम का आटा, एक पाव देसी घी, एक पाव फूल मखाने, हसबे मंशा गुड़, दो छटांग गोंद, दो छटांग खुशखाश, दो से बल्कि तीन छटांग अलसी. और ये मिक्स मेवे हैं जिसमें बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, चारों मग्ज, अखरोट, ये सारी चीज़ें शामिल हैं. अब गुड़ को मेल्ट करने के लिए रख दिया है. जब इसका शीरा बन जाएगा तो फिर लड्डुओं में इस्तेमाल होगा. डाल के फूल मखाने से फ्राई करें. सारे ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लिए हैं मैंने. तैयार हो गया, फुल मेल्ट हो गया. अब इसमें घी डालें. इसमें देसी घी डाला है और ये गंदम का आटा. अब इसमें फूल मखाने डाल दिए और गोंद डाल दिए, खशखाश डाल दिए, अलसी, ये सारे खुश्क मेवे. इसके बाद जरा गुड़ को गर्म करके अब देखिए इस तरह दबा दबा के इसको लड्डू की शक्ल दे दें. So yes guys, now we're done with this recipe. I hope you guys like it. If you like this, like, share, comment and subscribe to my channel. And thank you guys for watching this video. Visit my Instagram link in description box. And मैं आपको बताऊँ कि ये कितने ज़्यादा मज़े के थे. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स और ऑल द थिंग्स विच प्रोवाइड कैल्शियम एंड ऑल द थिंग्स. सो ये आप ज़रूर ट्राई करें एंड सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है. एंड अगर आप ये बनाएं तो मुझसे पिक्चर ज़रूर शेयर करें इंस्टाग्राम पे, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे वहाँ पे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो यस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. I'm dreaming every night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can try.